Why I'm saying 95 बाकी में तो मैं 98 परसेंट बात करता हूँ मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन माइसे हम ये मी एम बीनगुरु दिस वॉज माई कैट ऑफ जैट स्कूल मैं हर एक साल बहुत बार और बहुत ज्यादा आर टी आई फाइल करता हूँ डेटा निकालता हूँ उसको एनालाइज करता हूँ बिकॉज आई पर्सनली बिलीव बींग अथमेटिशियन बींग ग्रेजुएट ऑफ मार्केटिंग एंड रिसर्च एनालिस्ट आई नो डेटालाइज अगर डेटा से राइट right क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट right आंसर आता ही आता है दिस इज नॉट वीडियो जिसमें बताया जाएगा किसेंटाइल नॉट द परसेंटाइल स्किल्ड स्कोर डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल रेटिंग डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी डिपेंड्स ऑन जेंडर बहुत कुछ डिपेंड करता है तो उस डिपेंडेंसी को हम इसमें करते हैं

मैं 95% एक्यूरेट बोल रहा हूँ एल्स मैं 90% 95% एक्यूरेट बोल रहा हूँ प्लस एक्यूरेसी। चलते हैं आई डोंट वांट टू से इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं आई एम लखनऊ बेस्ट एंड द प्रीमियर बी स्कूल ऑफ द इंडिया है रुक जाना अभी आप डायरेक्ट जंप मत करना है कंपोजिटर कैलकुलेटर पे बिकॉज आपको समझना होगा कि ये वर्क कैसे करता है क्या काम करता है एंड वाई आई एम नाइनटी फाइव परसेंट श्योर

थिंग्स गेट मॉक जीरो सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगा सो अगर आप वेट कर रहे हो कि मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा तो ज्वाइन करेंगे तो दो नीड कि आप मुझे ज्वाइन करो अगर आप किसी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन नाउ इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कॉल्स बिकॉज लेट करने से वर्कलोड इंप्रूव होगा दो डेफिनेटली पीपल ज्वाइन इवन आफ्टर द जैट बट देव टू वर्क हार्ड जैट के बाद भी हमारे पास बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे और उन्होंने उटी टी फोर ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी को हमारा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है राइट नाउ ऑनलाइन फी इज ट्वेंटी थाउजेंड ऑफलाइन रांची इफ यू आर गोइंग टू टेटिस

ट फॉर्म जो आपने फिल किया है कैट फॉर्म में आई एम लखनऊ पीजीपी अभी मैं MBA की बात कर रहा हूँ तो कम कम दो से तीन घंटे लगते हैं बहुत सारे रिसल्ट चलता है सीवी बाकी बहुत सारा काम है तो so, जिनली मैं वन अ डे मेरा टारगेट है कि एक दिन में एक वीडियो लाऊ या दो दिन में एक वीडियो तो आएगा ही आएगा मैं अपडेट करता रहूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना बहुत कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर होता रहता है आपने कैट फॉर्म फिल किया आपने आई एम लखनऊ को सिलेक्ट किया देन अगर आपका वीआरसी डीएलआर क्यूए में 85 55 और 90 टोटल ओवरऑल परसेंटाइल आती है तो आप स्टेज टू के लिए जाते हो सिमिलरली गोस विद द कैटेगरी आप स्टेज 2 ये लाना भी इजी नहीं है फॉर द सेक्शनल

और ये परसेंटाइल परसेंटाइल के के ऑफ स्टूडेंट साथ निकाला जाएगा। का कुछ है, तो we have almost उसके थ्रू हमने किया कि किस बोर्ड में क्या परसेंटाइल हो सकते थे तो वी गॉटर विच नियर टू एटी नाइन ओवरऑल इससे थोड़ा ज्यादा है साउथ इंडियन बोर्डी थ्री नाइन फोर समथिंग ऑफ दिस एंड द स्टेट बोर्ड का कुछ कम आ रहा है तो उनके बेसिस पे मैंने पी वैल्यूज निकाल ली एंड आप जब कैलकुलेटर यूज करो तो इस पी वैल्यू के साथ आपका एडजस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप पी वैल्यू मतलब या बिलो हो तो हो सकता है कि स्कोर प्रोडिक्टर आपको थोड़ा सा गलत दिखाना स्टार्ट कर दे अगर आप सेफ दिख रहा है तो अगर आप एटियथ परसेंटाइल से बिलो चले जाते हो विद डेटा बिकॉज मेरे पास जो डेटा है वो वन पॉइंट जनता का डेटा है लास्ट फ्यू ईयर्स का इस बार 2.8 लाख जनता भरे हैं तो उनसे डेफिनेटली ऊपर नीचे होगी पी वैल्यूज और थोड़ा सा मुझे यहां बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है में, मोर सेम ही में मोर सेम पे वो इम्पैक्ट डालेगा तो ट्वेल्थ का, का आपका स्कोरिंग में उन लोगों के लिए गलती हो सकती है जो 80 परसेंटाइल के पास हैं जो बहुत टॉपर्स हैं उनके लिए हंड्रेड परसेंट सही होगा जो बॉटम पे हैं उनके लिए फाइव परसेंट प्लस टू होगा बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यू 20th percentile in the 12th, तो दिस इज सामने रखता हूँ सिंपल सा फॉर्मूला है अगर आप नॉन इंजीनियर्स हो तो आपको पीजीपी एम में मार्क्स मिल जाएंगे फाइव अगर आप जेंडर में फीमेल हो या आपका जेंडर ट्रांसजेंडर है तो आपको फाइव पॉइंट मिलते हैं तो यहां पे मैं यही बात करना चाहता हूं जेम का जो अपोजिट होता है इंजीनियर्स का नॉन इंजीनियर्स फाइव पॉइंट्स मेल का अपोजिट क्या होता है फीमेल दैट इज और कैटेगरी तो बहुत वेटेज है तो मैं जिम के साथ सिंपैथी नहीं कर रहा हूँ दीज आर द नंबर्स अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो तो टेन पॉइंट्स तो आपको आई एम लखनऊ दे ही देता है प्लेटर में बाकी आपको फाइट करनी होती है वैट पीआईट क्रैक करना होता है आगे जाना होता है एवरी डेटा राइट नाउ ऑफ आई एम लखनऊ बट कुछ इंफॉर्मेशन को बेसिसमेशन आई एम लखनऊ जनता कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थी अराउंड टेन थाउजेंड जनता एटी फाइव जो उनका अपना कैटेगरी सिलेक्शन है

कहानी में एक जनरल की बता रहा हूं आप हर एक कैटेगरी को देख सकते हो यहां से स्टार्ट करते हैं यहां पहुंचते हैं शॉर्टलिस्टिंग देन यहां शॉर्टलिस्ट करते हैं तो तो आपके पास वैट पीआई आती है तो बहुत लिमिटेड नंबर्स को आई एम लखनऊ वैट पीआई भेजता है टोटल कितने थ्री एट सेवन नाइन जनता को आई एम लखनऊ वैट पीआई के लिए कॉल करता है और इसमें फाइट होती है तो देखो कितने क्रीम के लोग आई एम लखनऊ या किसी भी आई के इंटरव्यू में जाते हैं अगर वहां पे आप थोड़ा सा भी इफ एंड बट करोगे तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो यू हैव टू फाइट अ लॉट

मास डेटा में काम होता है जब आप किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो लाइक प्लेसमेंट फिगर मैक्सिमा मिनिमा और एवरेज नहीं जाता दिखा है दिखाईम फिगर दिखाता है प्लेसमेंट में बट जब आप किसी बार को सेट करते हो तो बार में मिनिमम जाता है कि अगर मैं इतना लाऊंगा तो मुझे कॉल होगा तो 48.96 लास्ट ईयर का था विद द हेल्प ऑफ डिफिकल्टी लेवल एंड द मास एडजस्टमेंट जब हमने किया तो हम एक फिगर पे पहुंच रहे हैं उस फिगर पे पहुंच के हमने कॉल प्रिडिक्टर लॉन्च किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है जब आप उसमें क्लिक करोगे तो आई एम लखनऊ के ब्लॉक पे पहुंच जाओगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाई चांस अगर आपको कभी भी चेक करना हो कॉल प्रोजेक्टर अपलोड हुआ है नहीं हुआ एजुकेशन डॉट ओ आर जी हमारी कोर्स वेबसाइट है आप यहां पे जब जाते हो तो यहां पे आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन द एजुकेशन डॉट ओ आर जी डॉट इनको आप बार बार चेक कर सकते हो कि हमारे कुछ अपडेट हुआ है नहीं एमबीए जाते हो और कॉल प्रिडिक्टर पे जाते हो अभी प्रिडिक्टर पे दो ही कॉल प्रिडिक्टर अपलोड हुई है कैलकटा का ऑन द थर्टीन एंड लखनऊ ऑन आप डिस्क्रिप्शन पे जब क्लिक करोगे जो लिंक दिया है तो आप इस साइट पे पहुंच जाओगे यहां पे आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो हो नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है तो जो भी मैंने अभी बातें की है वो यहां पे लिखा हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है आप टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू भी क्लिक हि टू डाउनलोड स्कूल कैल्पलेटर पर जा सकते हो बट मैं आपको वन बाई वन लेके चलता हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ अपडेट होते रहते हैं आप व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर सकते हो कोर्स ज्वाइन करना है तो यहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कैटेगरी हाउ यू कैन टॉक टू अस ऑन द द्ट्सएप या लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दिया है आप उससे भी बात कर सकते हो ये आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा हूं मैं इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो एंड दिस वन इज हाउ यू शुड वॉच आर वीडियो यहाँ पे जो ये है दिस इज वॉट इफ यू वॉन्ट हैव द कैट स्कोर जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास नहीं है आपके पास रॉयल स्कोर है स्केल स्कोर बिकॉजाइल स्के फिल होगा रॉयल स्कोर पे परसेंटाइल फिल नहीं होगा इफ यूर स्टेटसनेटली यू शुड स्टार्ट वैट पी आई एंड वैट पी आई का एडमिशन ओपन हो चुका है एज आई सेट दीज आर दास्ट इफ यू हैव दिस इमेज इस इमेज के थ्रू आप स्कोर प्रिडिक्टर डाउनलोड कर सकते हो यहां क्लिक करोगे क्रोम एक्सेल या सीट बहुत अच्छे से काम करती है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और प्रोटेक्टेड एक्सेल है तो ये आपके आईपैड या आईओएस डिवाइस में सीट पे वर्कआउट नहीं करेगा आप जब इसे वर्कआउट करोगे

प्रोडिक्ट तो यहां पर नहीं आप किसी भी बॉक्स को क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ऑनली दीज डेटा येल्लो डेटा आपके लिए ओपन है तो so लेट्स को फिल करना दिस इज जस्ट से वी गॉट ट्वेंटी फोर मार्क्स एल आर डी आई में वी गॉट ट्वेंटी फोर मार्क्स यहां वी गॉट फोर्टी फोर मार्क्स टोटल इज नाइंटी टू मार्क्स एज्यूम वी है और ये परसेंटाइल अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो डिटेल्ड एनालिसिस परसेंटाइल डिटाइल आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो कितना आपका होगा डीएलएल में से नाइनटी नाइन परसेंटाइल आ रहा है एंड यहाँ पे भी नाइनटी नाइन परसेंटाइल और यहाँ पे मैं मानता हूँ नाइनटी नाइन परसेंटाइल आ रहा है जो भी आपका दिखता है यहाँ फिल करो जो भी दिखता है इस जगह पे आपको फिल करना है देन हमारे अकेडमिक्स फिल करने हैं आई सी एस सी में जस्ट फॉर से मेरे को नाइन्टी थ्री मार्क्स आए थे टेंथ में परसेंट ट्वेल्थ में एज पर द कैट आपको फिल करना है आई गॉट नाइनटी सिक्स इन द सीबीएसिंग आई गॉट सिक्सटी एट मार्क्स माई जेंडर इज मेल मेल के लिए वन फिल करना है बिकॉज लिखा हुआ है जेंडर मेल कैटेगरी मेरा ओपन है मैं वन फिल करता हूँ देन वर्क एक्स इन द मंथ में यहाँ फिल कर देता हूँ आई हैव का वर्क एक्स आपका जो भी है जीरो है तो वो फिल करो देन नीचे कुछ भी फिल नहीं करना है देन योर एक्सपेक्टेड कॉल्स यहाँ पे दिखने स्टार्ट होंगे

ये आपका कंपोजिट स्कोर है और आप एक्सपेक्टेड कॉल्स के लिए सेफ हो अगर हर एक जगह पास और यहां सेफ दिखता है तो मैं कॉन्फिडेंस हूं कि आपके पास कॉल आएगा आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप अपने कॉलेज के टैब पे भी जाके देख सकते हो फॉर आई एम लखनऊ ये आपका पूरा का पूरा दिखाएगा क्या कैलकुलेटर कि आपको सी कैट में कितना कंपोजिशन मिला ट्वेल्थ में कंपोजिट कितना मिला इंजीनियरिंग में कंपोजिट स्कोर कितनी मिली और आपका स्कोर कितना है ये सब कुछ आपको स्कोर में दिखाता रहता है आप यहां से जाओगे देखोगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे अगर आप सेव हो तो आप देखोगे मैंने पीडब्ल्यू डी कैटेगरी वालों के लिए स्टार मार्क डाला है बिकॉज जनरल कैटेगरी के लिए वो अलग से क्राइटेरिया रख के काम करते हैं बहुत बार समटाइम्स अलग क्राइटेरिया हो जाती है मतलब समटाइम्स कंपोजिट स्कोर अलग होता है समटाइम्स कंपोजिट स्कोर अलग होता है तो आपको परेशान नहीं होना है अगर आप पीडब्ल्यू जनरल कैटेगरी में हो

आपको अच्छे से फाइट करनी होगी एक छोटी सी गलती पॉइंट मतलब जीरो गलती भी आपको आपके I'm के कॉल से किसी और स्कूल में कर कर सकता है। है। कैट का डेट लॉक दो ऑफ यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट होगा एंड ऑफ द जनवरी एंड मेरा यह भी है कि जो पढ़ा दूंगा बाहर से तो नहीं आएगा स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है या जो आपका व्हाट्सअप है आप उससे क्वेश्चन को बात कर सकते हो या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बी स्कूल के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो मैं या मेरी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द करेंगे मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको देना है अपना बेस्ट मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट एंड जब तक दो बेस्ट नहीं मिलेंगे या एक सुपर बेस्ट नहीं मिलेगा रिजल्ट कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है बेस्ट एक्सपेक्टेशन के लिए बेस्ट देना ही पड़ता है We'll talk next week. Till then, God bless you. Happy learning and bye-bye.